बड़ी खबर रांची से मिल रही है। जीएससी का गठन हुआ है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं पदेन अध्यक्ष, चंपई सोरेन पदेन उपाध्यक्ष, स्टीफन मरांडी विधायक वो सदस्य बने हैं, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी ये सभी सदस्य बने हैं। तो टीएससी का गठन कर दिया गया है जिसमें चंपई सोरेन पदेन उपाध्यक्ष होंगे, मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा ये सभी सदस्य बने हैं। सिरोही विपिन जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। विपिन, टीएससी का गठन कर दिया क्या है, क्या और पूरी जानकारी है आपके पास? टीएससी की गठन की प्रक्रिया जो थी वो लंबी थी, उसमें राज्य की सरकार ने था, लेकिन इस पर राज्यपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद कुछ दिन पहले ही टीएससी के नए नियमावली को मंजूरी बाद भी राजनीतिक रूप से इसको देखने को इसके बाद हुआ था, लेकिन अंततः आज मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद राज्यपाल की सहमति से टीएससी की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि जो नई नियमावली है उसके अनुसार टीएससी में कुल 20 सदस्य होंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक सदस्य का पद जो है वो रिक्त रखा गया है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और किसी भी व्यक्ति को वहां पर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जिस तरह से जो टीएससी के नए बायलॉज हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री टीएससी के अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा जो आदिवासी कल्याण विभाग के मंत्री होंगे वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे, इसके अलावा जो 15 विधायक है वो यहाँ सदस्य के तौर पर रहेंगे और साथ ही साथ 3 नॉमिनेटेड मेंबर टीएससी में होते हैं। तो फिलहाल जो सूची जारी की गई है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में 2 व्यक्ति का नाम सामने आया है, इसके अलावा जो लोग हैं उनके नाम की को आज जारी कर दिया गया है। तो टीएससी तो लंबे समय से टीएससी के गठन नहीं होने की वजह से कई महत्वपूर्ण ट्राइबल एडवाइजरी को लेकर था, वो कहीं ना कहीं लंबित था और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री टीएससी की बैठक भी आहूत कर कई महत्वपूर्ण विषयों टीएससी की सहमति लेंगे। शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब टीएससी को सहमति मिल गई है, इसका गठन हो क्या है और मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई और ऐसे नाम हैं जो इस टीएससी में शामिल हैं।